दरभंगा के पूर्वी क्षेत्र में कोसी और कमला बलान नदी के जो जल स्तर में वृद्धि काफी देखी गई थी, जिसको लेकर के पूर्वी क्षेत्र बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी। ऐसे में सरकार के द्वारा लगातार राहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है और जो बाढ़ पीड़ित है उसके बीच में राहत सामग्री वितरण कार्य किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों पर जो दरभंगा एयरफोर्स है वो भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। दरभंगा एयरफोर्स के तमाम कर्मी बाढ़ राहत सामग्री वितरण में लगे हुए हैं और दरभंगा एयरफोर्स से ही यहाँ से जितने भी राहत सामग्री ले जानी होती है तत्काल यहाँ से ले जा करके उड़ानें भरी जाती है और फिर वहाँ तमाम जगहों पे जो जहाँ बाढ़ पीड़ित स्थापित हैं, विस्थापित होकर के वहाँ पे रह रहे हैं, उन तमाम लोगों को बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई जाती है। ऐसे में कुछ तस्वीरें यहाँ से निकल कर सामने आ रही है जहाँ पे बाढ़ राहत सामग्री लोड करते हुए दिखा जा रहा है और यहाँ पे जो एयरफोर्स के कर्मी हैं उसमें काफ़ी तत्परता दिखा रहे हैं और तब बाढ़ राहत सामग्री लोड कर रहे हैं और यहाँ से वो तमाम सामग्री को दरभंगा के पूर्वी क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित हुआ है, आपको बता दें घनश्यामपुर, कीरतपुर, टारडी और कुशेश्वर स्थानपुर भी, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ से कुशेश्वर स्थान जैसे क्षेत्र और टारडी जैसे क्षेत्र ये कमला बलान नदी और कोसी नदी के जल धारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है और इसी को लेकर के जो यहाँ के बाढ़ पीड़ित हैं उनको ये सब तमाम सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो क्लोथिंग सेट होता है उसके साथ साथ जो सूखा राशन होता है उन तमाम चीज़ एयरफोर्स की मदद से उन तमाम जगहों पर पहुँचाया जा रहा है जहाँ पर विस्थापित होकर के वहाँ पर बाढ़ पीड़ित रह रहे हैं। ऐसे में एयरफोर्स का रोल सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि तत्काल जो काफ़ी दूर वाली एरिया है वहाँ तत्काल ऐसे लोगों को सुविधा मुहैया कराना सिर्फ एयरफोर्स से ही मदद लेकर की जा सकती है। जिस प्रकार से एयरफोर्स इसमें तत्परता दिखा रही है और तमाम सामग्रियों को जो राहत सामग्री है उसको लोड करके उन तमाम जगहों पर तुरंत पहुंचा करके उन तमाम बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाने में एक बहुत ही बड़ा मददगार कह सकते हैं कि हनुमान साबित हो रहा है।